गाइस मैं हूं अभी हां इंतखाब आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आईबी रिक्वायरमेंट 2022 की क्या है, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कौन सी चीज़ की भर्ती निकाली, उस पर डिटेल में बात करते हैं। क्या एज होनी चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, क्या योग्यता मापदंड होंगे, उन सब पे चलिए बात करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी के साथ ही साथ करंट अफेयर्स और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशंस आती हैं उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसमें हम क्या क्या चीजें की बात करेंगे। आईबी ने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी योग्य उम्मीदवार आईबी ACIO रिक्वायरमेंट 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट maha.government.in या ncsgovernment.in पर भी आज यानी 16 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 मई 2022 निर्धारित की गई है। चलिए अब इस पर डिटेल में बात करते हैं कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी आई है उसमें कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, कब इसमें कितनी एज होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, इन सब पे बात करते हैं। क्योंकि देखिए सरकारी सर्विस का सपना हर कोई बच्चा देखता है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके दिमाग में यही रहता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो इसलिए हमारे चैनल का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है आपके सपनों को सफल कराना। यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी के साथ ही साथ हम इन्फॉर्मेशन इसलिए आपको देते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन इसलिए पहुंचाते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स का जो फॉर्म आ रहा है अगर आप उस योग्यता को हासिल कर चुके हैं तो उसको फॉर्म को भरिए। क्योंकि सफलता देखिए, एक लंबी सफलता देखना अच्छी बात है, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उन बड़े सपनों के साथ छोटे छोटे सपनों को भी पूरा करते रहना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की, जो आईबी द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जो वैकेंसी निकली है उसमें डेट क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब किस डेट से हम फॉर्म भर सकते हैं, इन सब पे बात करते हैं। तो आवेदन शुरू है 16 अप्रैल 2022 से, ठीक है, 16 अप्रैल 2022 से आवेदन शुरू है। और ऑनलाइन आवेदन कब तक हो सकेगा, 7 मई तक आप सिर्फ आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन 7 मई तक हो सकता है, 16 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट है। देखिए मैं जब भी आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन बताती हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ कि आप जब भी आपको पता चले कि फॉर्म आ गया किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तो आप फर्स्ट वीक में कोशिश किया करिए कि आप फॉर्म फिलअप कर दें। क्योंकि लास्ट वीक में आप जब जाते हैं फॉर्म फिलअप करने की, आप सोचिए कि चलो 6 तारीख को चलते हैं या 4 तारीख को चलते हैं, 5 तारीख को चलते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लास्ट टाइम पे काम बढ़ने की वजह से साइट सही से काम नहीं करती। तो जब साइट सही से काम नहीं करती तो साइट बंद हो जाती है और फिर हो सकता है कि उसकी जॉब की जो नोटिफिकेशन है या फॉर्म की जो ऑनलाइन डेट है लास्ट डेट, वो आगे नहीं बढ़ाई जाए। तो जब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी तो फॉर्म फिलअप ही नहीं होगा, तो गवर्नमेंट आपको घर बैठे तो नौकरी देने से रही। तो सबसे पहला चरण जो होता है सरकारी सर्विस पाने का वो होता है फॉर्म फिल करना। तो फॉर्म फिलअप के लिए आप फर्स्ट वीक में ही कोशिश किया करिए कि आप फॉर्म भर दीजिए। भुगतान परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि भी वही है आपकी 7 मई 2022 है। साक्षात्कार तिथि यानी कि इंटरव्यू की डेट अभी कुछ उसके बारे में बताया नहीं गया इस विज्ञापन में। चलिए आवेदन शुल्क कितना है, ठीक है, सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपीज यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी। एससी एसटी ओएच कोई पेमेंट नहीं है, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए भी कोई पेमेंट नहीं है। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान मोड के माध्यम से ही करें। देखिए इसकी फिक्र आप मत कीजिए, जब आप जाएंगे किसी भी साइबर कैफे में फॉर्म भरवाने तो वो आपको इन सारी सुविधाओं उनके पास रहती है, आपको सिर्फ पेमेंट करना होता है और अपनी सारी फॉर्म की डिटेल बहुत ध्यान से पढ़ के भरना होता है। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप सारी चीजें पार कर जाते हैं, आपको नौकरी भी जाती है, लेकिन लास्ट टाइम जब डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है या फॉर्म चेक होता है तो उस टाइम गड़बड़ हो जाती है, तो आप उस टाइम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ हासिल करने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आता, इसलिए मैं अक्सर बोलती हूं बच्चों से कि फॉर्म बहुत ध्यान से फिलअप किया करिए। चलिए आगे बात करते हैं क्या होनी चाहिए आयु सीमा। तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल हो और अधिकतम आयु 27 साल, ठीक है, देखिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें कितने पोस्ट पे क्या क्या विवरण है। तो देखिए 150 पोस्ट हैं इस पे टोटल, ठीक है, 150 पोस्ट हैं। परीक्षा का नाम क्या है यहाँ पे, SCIO ग्रेड 2nd टेक परीक्षा 2022, और स्ट्रीम क्या है, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक और संचार। देखिए कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में 56 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार में 94 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या पात्रता होनी चाहिए यानी कि योग्यता क्या हो। तो गेट 2020, 2021 और 2022 स्कोर कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक और दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक और संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में BE या BTech डिग्री या इलेक्ट्रॉनिक के साथ विज्ञान में मास्टर डिग्री या
इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग के साथ भौतिकी, इसी चीजों में आपको जाना होता है। देखिए इतनी में अगर कोई भी आपके पास योग्यता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, 150 जो पद हैं उन पे कैसे चीजें बटी हैं उन पे बात करते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार इस प्रक्रिया के माध्यम से असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, बहुत बड़ी पोस्ट है ये, ग्रेड 2 के कुल 150 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के तहत, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, ठीक है, 44,900 रुपए आपको मिलेंगे यहाँ पे, 44,900 से 142,400 रुपए तक आपको महीने का वेतन दिया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कि वर्ग कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्गों को कौन कौन सी कितने कितने पद मिले हैं। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं कि बहुत कम पोस्ट है, तैयारी करेंगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन तैयारी करना तो जरूरी होता है ना आपको। देखिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जब आप तैयारी करते हैं तो ये मत सोचिए कि हम क्लियर ही कर ले, देखिए क्लियर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी निराश मत होइए कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या, क्योंकि आप आगे से और आगे बढ़ चुके होते हैं, आप बदल जाते हैं, आप जब दूसरा फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पास काफी ज्यादा जानकारी होती है, तो हो सकता है ये एग्जाम आप क्रैक कर जाए। इसलिए आप अगर उस योग्यता मापदंड पे खड़े उतरते तो फॉर्म फिलअप क्या करिए, एग्जाम दिया करिए, आपके पास एक्सपीरियंस ही आता है। अनारक्षित वर्ग के लिए देखिए यहाँ पे 80 पद है टोटल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 15 पद है, EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 15 पद हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 24 पद हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 16 पद हैं, ठीक है। तो देखिए काफी अच्छी खासी यहाँ पे पोस्ट है, कुल पोस्ट 150, उसमें मैंने बता दिया आपको, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में 56 है, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में 94 है, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि वर्ग के हिसाब से कितने कितने पद यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आईबी के बारे में, जो आईबी की ये वैकेंसी निकली, इस पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आवेदन शुल्क, एज, डिटेल, सब चीजों के बारे में बता दिया, और कोशिश मेरी यही रहती है कि गवर्नमेंट जॉब की जितनी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आए, हमारी टीम यही चाहती कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो फॉर्म को फिलअप कीजिए, मैंने यहाँ पे आपको वेबसाइट भी बता दी है जहां पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।